तो जय जगन्नाथ और आज ही आमे टिके स्टार्ट करू कलावळे टिके टेक्निकल इश्यूज पई टिके डिले हे गला सो सॉरी फॉर दैट। आज आम संगे रे देवाशीष बाबू अछंती। देवाशीष बाबू जणे मल्टी टैलेंटेड फोटोग्राफर से आज आम को दो ऑन आर्कियोलॉजी एंड मोजाइक फोटोग्राफी इन पर्टिकुलर इन द जॉनर ऑफ आर्कियोलॉजिकल फोटोग्राफी कहिबे किंतु ही इज आल्सो अ वेरी गुड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर एज वेल एज फैशन एंड पोर्ट्रेट फोटोग्राफर एज वेल से काम करछंती प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स को संगरे एज एन असिस्टेंट काम भी करछंती एंड देन तापर से मीडिया इंडस्ट्री रे भी रहिछंती। एबे से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संगरे काम करछंती आउ मु एबे तांको हैंडओवर करछी। आई थिंक आई एम गेटिंग रिक्वेस्ट फॉर आइदर टू स्पीक इन हिंदी और इंग्लिश सो ओके आई विल स्पीक टू इंग्लिश स्टिक टू इंग्लिश एंड देन Devasis, leave it to Devasis Babu to choose anything in between. So I'm just handing it over to Devasis Babu to give a brief introduction about him and as well as to start with the today's topic. नमस्कार। जय जगन्नाथ। मैं देवाशीष मिश्रा अभी तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में फोटोग्राफर हूँ, लेकिन मैं थोड़ा मेरे बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं वैसे बचपन से फोटोग्राफी शुरू किया था, क्योंकि पापा मेरा फॉरेंसिक साइंस में फोटोग्राफर है, तो इसलिए बचपन से मेरा फोटोग्राफी शुरू हुआ था। उसके बाद मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो वही फोटोग्राफी इंटरेस्ट के लिए मैंने शुरू किया। हमारे जो विजय पटनायक फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट है उसमें सिनेमाटोग्राफी का कोर्स किया। उसके बाद मैं मुंबई गया था, मुंबई में मैंने फैशन फोटोग्राफी का किया, उसके साथ साथ मूवी में भी काम किया था। उसके बाद न्यूज चैनल में क्या काम किया, न्यूज इंडस्ट्री में आज वीडियो जर्नलिस्ट। उसके बाद उड़ीसा रिटर्न आया, उड़ीसा में भी कोई हमारा जो पॉपुलर चैनल है ओटीवी है, कनक टीवी है, एमबीसी है, उसमें मैं आज सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट काम किया है। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, तो वहाँ पे उसका जर्नी मेरा शुरू हुआ। आज मेरा ये जो टॉपिक है मोजाइक फोटोग्राफी, उसके साथ साथ मैं यहाँ पे कुछ आर्कियोलॉजी फोटोग्राफी के बारे में भी बताऊंगा। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जी देवाशीष बाबू शेयर स्क्रीन शेयर ऑन है अलाउड है। ओके मैं कर रहा हूं जी। ओके मैं स्क्रीन शुरू कर रहा हूँ। इससे पहले मैं ये जो शुरू कर रहा हूँ आर्कियोलॉजी, उससे पहले मैं जैसे मुंबई का कुछ काम किया था उसका मैं कुछ फोटो शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। ये स्क्रॉल नहीं हो रहा है। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है देवासी जी? हाँ ये स्क्रॉल नहीं हो रहा है। फोटो स्क्रॉल नहीं हो रहा है। आप एक काम कीजिए, आप अपना डेस्कटॉप ही शेयर कर दीजिए, वो इजी होगा। तो आपका डेस्कटॉप में जो भी कर रहा हूँ तो मोबाइल का जो है। अच्छा अच्छा तो मोबाइल का स्क्रीन ठीक है।
नहीं, स्क्रॉल नहीं हो रहा। स्वाइप स्वाइप करने से नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। पहचानते हैं ना, ये एक फोटो है मॉन्यूमेंट का ना, ये चंदेरी है ना, इसका जनरल व्यू एक है, इसे मॉन्यूमेंट के लिए पहचाना जाता है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा दूसरा चीज रहता है। एक्सक्यूज मी, मैं क्या, मैं लैपटॉप लेके कर सकता हूँ क्या, ट्राई करता हूँ, हाँ कर कर लीजिए ना, कोई 5 मिनट इशू टाइम दे, मैं लैपटॉप ट्राई करता हूँ। दैट नहीं। जी इज बेटर, वी कैन वेट फॉर सर, 5 मिनट। आप सर 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 5 मिनट है। हाँ जी इसी 5 मिनट में आपके पार्टिसिपेंट्स, जो ऑर्गेनाइजर को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, और जो पार्टिसिपेंट्स है, इफ दे वांट टू नो समथिंग अबाउट द मोजाइकिंग एप्लीकेशन ऑफ मोजाइक फोटोग्राफी इन आर्कियोलॉजी, दे कैन टॉक टू मी, आई एम एसबी होता। अच्छा, वेलकम सर। सर वेलकम टू आवर ग्रुप सर, इट वुड बी यस नाइस टू हियर फ्रॉम यू ऑन द मोजाइकिंग एंड आर्कियोलॉजिकल फोटोग्राफी। यू कैन गिव एटलीस्ट नहीं नहीं मेरे इंट्रोडक्शन को अबाउट द नहीं, जॉनर। दैट डजंट लुक नाइस, लेट हिम स्पीक, ओके, बट व्हाट यू कैन डू, इट्स एप्लीकेशन, इफ एनीवन वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ मोजाइक फोटोग्राफी इन आर्कियोलॉजी, आई विल बी एबल टू आंसर देम टिल देवासिस कम्स बैक। Sir, please tell about the application means how, actually, I think I am not, I don't know anything about it. This mosaic photography is exactly, we have got this house flooring, which you call mosaicing, you know, mosaic flooring. What we see in that, there are beautiful square pattern and all the different colors of marbles are sticking to that. Though, and Small if pieces. I take a photograph of that, for example, there is a room and it has been divided into, say, 50 different squares. You know, it's not one square. And in all the 50 squares, the patterning of these small colored glass or colored marbles are different in each of the squares. Now, if I tell you, can you prepare a photograph which is to the scale of my room flooring, including the small patches of these small stones that we can see, and convert it to a photograph? Because if I take one photograph, you know, all of you, most of you are photographers, it will not be right, there will be distortion. That correct. So our point is, sometimes in archaeological field, there are very small objects which are scattered, whether it's from the excavation or on the surface. Now, each of these artifacts, we call an object, the way it's lying, that counts a lot. It's not that it is lying, the way it is lying, in which orientation it's lying, the way it's lying, each of these small objects on the surface, that has to be photographed to the scale, the way I'm seeing it. You know, in archaeology, we say that whenever we do the archaeological excavation or exploration or anything which you pick up, we destroy the evidences. Destroy in the sense we have already picked up, we cannot put it back. So that evidence is gone. So here comes the rescue for the archaeology by the photographers. So photography is done because, you know, we can do it in the drawing form. Many people will be challenging us, but the photography is almost a direct image. Now we tell the photographers to do a photography where absolutely negligible, because I cannot say that all the photographers are completely free from error. Duniya mein abhi bhi nahi hai, which is 100% error free. Okay. But it can minimize, and the way I am seeing it on the surface, the objects are lying exactly in the similar position in the same scale. I can create in the same scale.
the photography without any distortion, even a smallest stone on the surface, and create that surface. And that becomes a record. And it has got different implications. If I get the 2D scale photography, I can easily convert it to a line drawing. That means it has to be done with a fixed lens and fixed focal. That means it has to be done with a fixed focal length. Yes. That man, instead of I talking about that, Devasis will be describing. Okay, I mean, it's application, because we want in archaeology, every small details needs to be recorded. And photography is the best medium. And this mosaic photography is done in such a manner, even the smallest particles will be shown to the scale, the way it's like. This is evident. And this mosaic photography is done outside. In India, I do not think anywhere it has been done in a very, very micro scale. And we have attempted that. That's what the Devasis was doing in our project. And he will be able to explain. I don't know. Devasis, ready? Okay. So this is what we do, and you will see how detailed it is. Of course, it takes a lot of time, because when you do any scientific research and time factor hardly matters. I mean, but we'll have to create a record which remains for the posterity. The record is created in such a manner, even after 500 years, if you have got that photograph, you can recreate that the same one, along with other records. So this is what you'll be showing in details. Otherwise, all of you will lose interest. Devasis, sir, you have joined from another system? From laptop. Yeah, joined from laptop. Sir, you're on mute. Laptop connect kar raha hu abhi. और कुछ को कुछ पूछना है, बिकॉज प्रोबेबली मोस्ट मेनी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स आर फोटोग्राफर्स बाय प्रोफेशन, am I right? नॉट बाय प्रोफेशन सर, बाय प्रोफेशन मोस्ट ऑफ अस आर लाइक हॉबीस्ट, हॉबीज एंड ऑल दैट. या एंड नाउ फोटोग्राफी हैज गॉन टू दैट लेवल. And its application on all discipline, different disciplines, is different. I mean, it's a no more just clicking with a good hand, good view and all that. It has become so scientific, and it has, earlier, it was serving a purpose of evidence. What I'm saying, this is this. But now, it also helps us in interpreting many of the archaeological facts. These photographs, which I cannot visualize. You know, when I look at a larger area, I cannot put everything together, say 50 meter by 50 meter area. Thousands of objects are lying. It will be very difficult for me to visualize the different areas of concentration and all that, of different material. If I take a photography, like mosaic photography, and reduces it to a different scale, I'll be able to see it on my table, the whole 50 meter or 100 meter by 100 meter area, and I'll be able to interpret it in a much better way. So there are many applications now. This is just a small application and the technique which is adopted, and it's not applicable to all the fields of archaeology. You know, we have done it, some of you must be knowing, prehistoric sites, stone age sites, where you get only the stone tools littered on the surface, full of, you know, in 1 meter by 1 meter, something like 7, 8, 10, 20 artifacts you'll be getting. And they're all lying in a different positions. Positions means the way it's oriented. So putting all these small evidences together, and stitching it and making it a mosaic. That's why we call it a mosaic, because all these small areas,
he will tell squares and hundreds of squares, something 700, 800. The file goes, you know, when we manage the file, it goes in a couple of GB file. I mean, you require a computer which can take up if you want. You can reduce it and do it if you want to really develop into the same scale, life size. Then you want a very large file for that. So there was this. I've not received the another new request to join, so I think still trying on it. नहीं वो कनेक्ट हो रहा है मतलब इसमें कनेक्ट हो रहा है. अच्छा ओके सर. इसमें बस मीटिंग के आईडी देने से हो जाएगा ना. हाँ जो सेकंड वाला जो दिया है ना उसमें आप मीटिंग आईडी भी दे सकते हैं या फिर क्लिक कर दीजिए ना डायरेक्ट और लिंक पे क्लिक कर दीजिए तो ओपन करेगा. ना बट ही हैज टू डाउनलोड द जूम. नहीं जूम का जो सॉफ्टवेयर ना जूम है. जूम है हां इसमें. हां देन देन इट्स फाइन. यू विल हैव टू ओनली क्लिक इट राइट व्यू में. जहाज महल नाम से है उसका डिफरेंट व्यू है. मैं बस कुछ ऐसे व्यू दिखा रहा हूँ पहले सेम मॉन्यूमेंट लेकिन अलग अलग पर्सपेक्टिव में अलग अलग ईयर में. ये उसका नाइट व्यू है. ये हो गया हमारा जनरल मॉन्यूमेंट का. दूसरा चीज हो गया हमारा दो हमारे कंजर्वेशन पॉइंट व्यू है. दो मॉन्यूमेंट का एएसआई का सबसे बड़ा काम है कंजर्वेशन जो है ये मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना उसके कंजर्व करना है. मतलब उसका हमारा जनरली हम करते हैं बिफोर आफ्टर फोटोग्राफी. दो बिफोर के मतलब पहले कैसा था और अभी कैसा है उसका फोटोग्राफी करते हैं. ये ऐसे कुछ व्यू मैं दिखा रहा हूँ. ये बहुत पहले का फोटो आर्काइव फोटो है जिसको कंजर्व किया गया है. ये सब पॉइंट के लिए हम ऐसे ही जानते हैं. लेकिन उसके साथ साथ हमारे दूसरा एक कहा दो पॉइंट पे ऊपर आज बात करेंगे एक्सर्वेशन में. आर्कियोलॉजी का जो दूसरा पॉइंट है एक्सर्वेशन उसके ऊपर बात करेंगे जहाँ पे हमारा मोजाइक फोटो भी तभी आएगा जिसमें मैंने मोजाइक फोटो भी शुरू किया था. ये एक मतलब हमारा यहाँ पे यहाँ पे हमारा एक ट्रेंड है. तो ये आप देख रहे हैं ये उसका पहले साल का था कुछ शुरू हुआ था उसका नेक्स्ट उसका शुरू किया गया काम शुरू किया गया. यहाँ पे आप देख रहे हैं ये के मैं माउस कैसा दिख रहा है क्या आपको. हेलो नहीं दिख रहा है. सर 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 दिख रहा है सर दिख रहा दिख रहा है वो उसके पास है ऊपर वो जो टावर है ना उसके पास है आपका. ब्लैक कलर में दिख रहा है. हाँ दिखाई दे रहा है. यू गो अहेड. अब दिख रहा है सर. ये मतलब हमारा एक टावर है. मतलब मैं लिया ट्रेन जो टावर दोनों को दिखाने के लिए फोटो रखा हूँ. ये हमारा एक ट्रेन था जो जरा मतलब 5 मीटर बाय 5 मीटर का एक ट्रेन था. उसके साथ साथ एक दूसरा दिखा रहा हूँ जो टावर है. ये टावर क्या है हमारे फोटोग्राफी के लिए हर टाइम में एरियल व्यू उस टाइम पॉसिबल नहीं था इसलिए हमने क्या किया एक टावर बनाया था इसमें उसका जनरल व्यू अच्छा आएगा और ऊपर से आएगा इसलिए ये 20 to 25 meter का एक टावर बनाए थे. उसका ये एक फोटो है. उसके साथ ये एक ट्रेन थे. ये भी टावर बनाने का प्रोसेस एक है. दो मिनट टावर बना के हम फोटो भी करते हैं. उसके साथ साथ वो काम खत्म होने का याद एनवायरमेंटल डे है तो इसलिए मैं एक दूसरा पॉइंट भी इस पे रखा हूँ. इसलिए कि हमारा एक्सपेरिमेंट खत्म है उसको हम ध्यान लेते हैं इसलिए जंगल के अंदर है कोई नुकसान नहीं हो इसीलिए हम उसको कवर भी कर लेते हैं. ये एक दूसरा टाइप का ट्रेंड है एक स्टेप ट्रेंड है. वो आप उससे पहले देखे थे प्लेन लैंड में था ये स्लोप में है. ये सबका फोटो भी हमको करना पड़ता है डिजिटल डॉक्यूमेंट. लेकिन फोटो ये जो रिकॉर्ड है फोटोग्राफी के वजह से ही रहता है. ये हमारा साइंटिफिक क्लियरेंस होता है उसके बाद कौन से एरिया में क्या मिला था क्या नहीं ये हमारा फोटो के रिकॉर्ड में मैसेज हो पाता है.
प्रूफ होगा था, इसलिए हमारा जो फोटो रहता प्रॉपर रखना पड़ता है, तो अलग अलग टाइप का ट्रेंड को दिखाने के लिए मैं ये फोटो भी रखा हूँ। ये आप देखेंगे मतलब स्टेप के है स्लोप में है, उसका ये ट्रेंड है, उसका लिटिल फोटो हम करते हैं। ये है कुछ स्टोन टूल्स है जो हमारा एक्सेप्शन में मिलता है, उसका स्टोन टूल का तो एक जनरल भी फोटो है के लिए फोटो लेते हैं। यहाँ पर ये जो है ये स्केल है और ये नॉर्थ एरो मार्केट जिसका हम इंस्टीट्यूट फोटो लेते हैं, तो जहाँ पे मिला है उसी पोजिशन में क्या है कंडीशन मिला है और जहाँ पे पड़ा तो किस कंडीशन में था, तो इसलिए हम नॉर्थ एरो लगाते हैं ये जो एक नॉर्थ डिरेक्शन दिखाने के लिए। और दूसरा चीज स्केल, ये अलग अलग टाइप के स्टोन टूल थे इसके लिए मैं ये रखा हूँ। ये जो स्केल है स्केल हमारा भी कोई वैल्यू नहीं रहता क्योंकि कोई भी चीज है उसका मेजरमेंट नहीं रहा तो आर्कियोलॉजी साइंटिफिक नहीं बोला जाएगा, इसलिए हमारा स्केल का इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है। तो उसके बाद हमारा आया मोजाइक फोटोग्राफी, ये एक मोजाइक फोटो ये देखिए आप दिख रहा है, ये एक एरिया है जिसमें कुछ आप स्क्वायर दिख रहा है, बहुत सारा स्क्वायर दिख रहा है, ये जो स्क्वायर है ये जो स्क्वायर देख रहे हैं ये स्क्वायर जो है एक एक ग्रिड है, ये 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर एक ग्रिड था, एक नॉर्मल क्रॉस सरफेस में था जहाँ पे कोई सरफेस कलेक्शन हमारा किया जाता था, तो इसलिए नहीं यहाँ पे मेरा तो मोजाइक फोटोग्राफी का जर्नी था वो शुरू हुआ, क्योंकि ये तो बड़ा एरिया था जिसको नॉर्मल एंगल में हम फोटो लेने के लिए जाए तो वो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका डिटेल डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए और ये जो सरफेस कलेक्शन होगा उसके बाद जो एंटीक्विटीज था वो कैसे था वो पता नहीं चलेगा, इसलिए हमारा उसको पता करने के लिए हमारा क्या शुरू हुआ एक मोजाइक फोटोग्राफी टेक्निक जो हमारे सारे एस बी ओटा सारे मुझे गाइड किया, तो एक मोजाइक फोटोग्राफी मैंने शुरू किया उस टाइम में, जिसमें इंडिविजुअली ग्रिड जो है ये तो हमारे नॉर्मल कैमरा में है वो नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम इंडिविजुअल ग्रिड को फोटो किया, जितना ग्रिड था उतना फोटो किया, उसको मैंने फोटोशॉप में लाके मर्ज किया, तो क्या जितना भी फोटो का रेजोल्यूशन था वो मतलब अच्छा रेजोल्यूशन में हमारा डिटेल फोटोग्राफी हो गया, तो इससे हमारा डिटेल जो एरिया का फोटो और डाटा था वो पता चला, और फील्ड से सरफेस कलेक्शन के बाद फील्ड तो वो जो एरिया है वो तो पता नहीं चलता है, इसलिए हमारा क्या है डिजिटल फोटो भी जानने मुझे फोटो किया गया। जस्ट आज ड्रोन से बहुत हम लेते हैं लेकिन इसमें क्या है कुछ क्लैरिटी के साथ हाई रिजोल्यूशन एक फोटो हो गया, तो उसका यहाँ पे जो डाक मुझे दिया गया ये एक ट्रेंच था, इस ट्रेंच के पास यहाँ पे सर्फेस किया गया है, ट्रेंच और सर्फेस दोनों को मिला के दिखाने के लिए वो पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए मैंने क्या किया सेम टेक्निक को मैंने अडॉप्ट किया। ये आप देख पा रहे होंगे ये 2 मीटर बाय 2 मीटर का एक ट्रेंच है, उसके नीचे एक एरिया है जहाँ पे हमारा सर्फेस कलेक्ट किया गया, तो वही सरफेस कलेक्शन के लिए एक ग्रिड लेआउट किया गया था, वो भी 1 मीटर बाई 1 मीटर इस स्क्वायर जो है 1 मीटर बाई 1 मीटर है, और नॉर्मल उस टाइम जो था उस टाइम मैंने देखा कि हमारा नॉर्मल एंगल से इतना ही मैं ले पाता था 1 मीटर बाई 1 मीटर ले पाता था, तो उससे अगर ज्यादा में तो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए मैंने क्या किया इंडिविजुअल स्क्वायर को मैंने फोटो लिया, उस फोटो को मैंने फोटोशॉप में लेके मर्ज किया, तो मर्ज करने के बाद ये एक आउटपुट निकला आप देख सकते हैं इसका एक डिटेल हाई रिजोल्यूशन फोटो निकल गया उसका। तो सेम टेक्निक से मैंने फिर हमारे दो टास्क देते गए, तो इसलिए दूसरा एक टास्क में आ गया, ये था 26 ग्रिड बनाया गया था, ये एक एरिया था जहाँ पे हमने फोटो ऐसे 19 रो बाई 24 कलम में हमने ये ग्रिड सरफेस कलेक्शन के लिए किया गया ग्रिड किया गया था, जिसका मतलब स्टोन आर्टिफैक्ट पड़ा था, तो उसी स्टोन आर्टिफैक्ट को कलेक्ट करने से पहले उसका डिटेल डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी था, क्योंकि वो एक खेती के बगल में था
और दो गाय गांव वाले थे और मतलब गाय भैंस जाते थे उसी उनका पैर शिफ्ट हो जाता था, इसीलिए हमको डिटेल डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे, पहले उसका रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो इसलिए हम तो डिटेल पता नहीं चलेगा। इसलिए हमने क्या किया इसमें पहले एक डीड बना के उसका एक फोटो शुरू कर ली। उस फोटो के लिए मैंने सॉफ्टवेयर ये उसका नेक्स्ट में दिखाता हूँ उसका मोजाइक में, ये आप देख सकते हैं उसी टोटल ग्रिड का ये फोटो है। और इसमें इतना सारा मतलब बड़ा एरिया था, ड्रोन में भी लेते तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो इसलिए मैंने क्या किया उसका इंडिविजुअल फोटो लेके उसने एक बड़ा टास्क किया था। इतना बड़ा एरिया है और 426 ग्रिड है तो उसको कवर करने के लिए मुझे एक दिन में पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट था जितने भी फोटो है उसका लाइट फर्क मतलब वेरिएशन रहेगा तो उसका मर्ज करने के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसलिए मैंने क्या किया उसके लिए इवन लाइट, हमारा जो इवन लाइट है मतलब बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट उसका फोटो लेने के लिए मैंने डिसाइड किया कि नहीं उसको हम शुरू करेंगे वो फोटो लेंगे कब, बिफोर सनराइज नहीं तो आफ्टर सनसेट। फिर भी वही है कि ट्वीलाइट रहता है, सनराइज से पहले का जो लाइट है और सनसेट के आफ्टर है वो दोनों डिफरेंट डिरेक्शन है। अगर मैं एक वो कलम ले लिया मैं कलम वाइज उसको रिकॉर्ड किया था, एक कलम वाइज में फोटो लूंगा, ये जो कलम था इस कलम वाइज में फोटो लेके उसको ज्वाइन करने शुरू कर दूंगा। लेकिन इससे पहले क्या हुआ मैंने पहले दिन फोटो ले लिया एक सनराइज में पहले ले दो स्ट्रॉन्ग मतलब लाइट बहुत सॉफ्ट है फिर भी उसका जो लाइट है डिरेक्शन अलग ब्राइटनेस एक साइड से, तो इसलिए मैंने क्या डिसाइड किया दो भी लूंगा एक ही टाइम में लूंगा, तो इसलिए मैं सनराइज से पहले उसको साइड में जाके मैं एक फोटो करते एक मतलब हर दिन एक एक लाइन रो कलम करते गया, कभी कभी डेढ़ कलम दो कलम भी हो जाता था कभी कभी एक कलम हो गया, क्योंकि लाइट के ऊपर डिपेंड करता था कि कितना टाइम तक लाइट सॉफ्ट लाइट मिल पा रहा है, तो इसलिए मैंने एक एक फोटो करते गया एक एक रोग करते गया उसको बाद में लाके ये जो 426 फोटो है एक एक फोटो आपने 4 MB की मान लीजिए तो तब फोटो जोड़ के फाइनल मैंने आउटपुट निकाला तो ये 2 GB से ज्यादा हो गया, तो इसको कंप्यूटर भी उसके अंदर सुपर कंप्यूटर भी चाहिए तो ये कंप्यूटर ये जोड़ना ही मुश्किल हो गया था, तो इसलिए मैंने जो फिर काम किया उसको करके उसको लगे। लेकिन उसके बाद इतना अच्छा हुआ ये जो फोटो था इसमें हर ग्रिड में एक एक हमारा ग्रिड का नंबर दिया गया था, जो मुझे पता नहीं चलेगा कौन से ग्रिड का फोटो है वहां पे पहुंचने पर उसके साथ में तो मैं चार्ट बना रहा था उसके, लेकिन उसके कौन सा ग्रिड का है ग्रिड नंबर हमने एक नॉर्थ एरो लगाए थे उसके ग्रिड नंबर दे दिए थे हर स्क्वायर में एक एक ग्रिड नंबर का जो है वो लेबल लगाए थे, ये लेबल की वजह से हमको पता चलता कौन से लेबल ग्रिड का है फोटो है। ये फोटो को लेके मैं भी उसको ये एक हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया था तो उसका एक अलग से फोटो निकल मतलब उसी सेम फोटो से मैं एक अलग से कटआउट किया था, ये वही फोटो है। उसके साथ नेक्स्ट टास्क था मेरे लिए ये सब मैं जो दिखा रहा हूँ ये है प्लान के ऊपर जो मोजाइक किया गया था, ये मोजाइक को प्लान के ऊपर मैं दिखा रहा हूँ प्लेन एरिया में था, लेकिन इसके बाद ये एक नया टास्क है जो स्लोप में था, क्योंकि प्लेन एरिया में तो इजीली हो जाता था लेकिन जब स्लोप में आ गया तो कहाँ पे थोड़ा तो इसलिए कैमरा का जो हाइट है वो अप डाउन हो जाता था, इसलिए क्या प्रॉब्लम हुआ जॉइंट करने में बहुत दिक्कत होता था, इसलिए कैमरा का हाइट को मैंने मेंटेन किया। ये जो एरिया आया यहाँ पे मुझे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ा कैमरा हाइट को, क्योंकि वो नॉर्मल हाइट में हो जाता था क्योंकि सब प्लेन एरिया में था, लेकिन यहाँ पे जब आ गया तो ये कैमरा का हाइट को मेंटेन रखना पड़ा, क्योंकि ये जो हाइट है ये स्लोप की वजह से कैमरा का हाइट और कैमरा और ग्राउंड के अंदर का जो डिस्टेंस है वो डिफरेंस हो जाता है तो जॉइंट होने में दिक्कत होता था, तो इसलिए मैंने वो फिर दूसरा ये ट्राई किया कि कैमरा का हाइट को मैंने सेम रखा
और हर टाइम में कैमरा का जो लेंस है वो नॉर्मल एंगल में रखना, ज्यादा वाइड रखो तो वो भी दिक्कत होता है। ये उसी एरिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं उसी एरिया, ये पहले हमारा एक्सरसाइज शुरू होने से पहले रीड करके उसके बाद उसी का एक्सरसाइज शुरू हो गया है। यहाँ पे आप हर चीज में आप देखेंगे ये स्केल है, हम उसमें स्केल लगा के हम फोटो लेते थे, विदाउट स्केल उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। ये उसी एरिया का दूसरे एंगल से है, नहीं इसमें क्या हुआ, नेक्स्ट मेरा टास्क था कि एरिया में काम नहीं हुआ, इस एरिया में हाई कम था उसका रेगुलर, तो हमें हर एरिया का जरूरत नहीं पड़ता था, इसलिए जिस एरिया में जरूरत ये था जिस डे में जिस एरिया में मेरा काम हुआ उसी एरिया का अलग अलग मोजाई करना पड़ा। तो मैंने अपने हुई इमेजिनेशन सोचा कि उसका एक ड्राइंग लेगा, हमारा तो पूरा ड्राइंग डॉक्यूमेंट होता था, तो मैंने क्या किया एक ड्राइंग उसका ले लिया, जो ड्राइंग रहता है हमारा ऑटोकैड का ड्राइंग, उनसे मैंने पीडीएफ फाइल ले लिया उसके साथ इसको मर्ज किया, क्यों उसको दिखाने के लिए, इतना बड़ा हमारा लेआउट एरिया है लेकिन उसमें जिस एरिया में हमारा काम होता है उसी एरिया का जो हम दिखाने के लिए जब गए तो उसको पता नहीं चलता कि हम तीन अलग अलग यहाँ पे एक मोजाइक तीसरा मोजाइक और तीन मोजाइक को हम दिखाने के लिए अलग जाएंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा ये हमारा ट्रेन का कौन से एरिया में किया गया है, जो हमारा लेआउट किया गया है उससे कौन से, तो उसको मैंने फिर ड्राइंग के साथ मर्ज किया, ये तो हमारा लेआउट ड्राइंग था, लेआउट ड्राइंग के साथ इसका ग्रिड को मर्ज किया इसमें और डिटेल पता चला कि नहीं ये है टोटल एरिया है और यहाँ पे कौन से एरिया में हमारा ये काम हो रहा है, ये कौन से एरिया में कौन सा एंटीक्विटी निकला है वो पता चल पा रहा था, तो इसलिए मैंने उसी को शुरू किया। मैंने क्या किया ये होने के बाद उसको डिटेल दिखाने के लिए मैंने ये ग्रिड ले लिया और ड्राइंग को किया, तो ड्राइंग में ये एरिया था आप इसलिए पता चलता कि ये एक लेआउट है, लेआउट का ये हाईलाइट कर लिया तो इसी एरिया में मेरा फोटो शो कर रहा हूँ। ये प्लान क्या करने के बाद उसका नेक्स्ट टास्क आ गया मेरे पास, जो मेरे लिए हफ्ते मतलब एक चैलेंजिंग टास्क था सेक्शन के लिए, ये आप देख पा रहे होंगे ये हमारा जो ट्रेंच है, ट्रेंच के पास ट्रेंच है और ट्रेंच का मतलब बहुत डीप रहता है, ये ट्रेंच का बहुत डीप ट्रेंच है, डीप ट्रेंच में देख रहे हैं ऊपर जो है ये ब्राइट है, धीरे धीरे ब्राइटनेस कम होते जा रहा है, ये हमारा जो ट्रेंच था ये लगभग 5.5 मीटर का था और ये पहले 2 मीटर बाय 2 मीटर और ये जो एरिया है 1 मीटर बाय 1 मीटर का स्क्वायर करके नीचे डिप तक गए थे, तो इतना डीप में जाने के बाद वहाँ तो मतलब सांस लेने के लिए भी दिक्कत होता था और दूसरा चीज प्रॉब्लम होता था वहाँ पे लाइट बिल्कुल नहीं था, तो अगर मैं ऊपर से फोटो करता हूँ अंदर दिखता ही नहीं था, बस इतना एरिया है उतना ही दिखता था, इसके नीचे दिखता ही नहीं था, पूरा डार्क था। अगर मैं उसका डिटेल डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए जाऊँ तो मैं क्या करूँ, बहुत बार एक दिन दो दिन तीन दिन ऐसे ट्राई किया फोटो नहीं हो पाया, उसके बाद मेरे दिमाग में आया नहीं इसको इसको भी मोजाइक में शुरू करता हूँ, मैं तो प्लान को अगर मोजाइक कर पा रहा हूँ तो सेक्शन को, सेक्शन जो हमारा बहुत परफेक्ट रहता है वो बिल्कुल प्लेन रहता है तो सेक्शन को मोजाइक क्यों नहीं कर सकते, ये मेरा अंदाज लेके एक दिन मैं शुरू किया, ये जब शुरू किया पहला दिन मैंने ट्राई किया दिमाग में कुछ नहीं था कि नहीं, बट ये जानता हूँ यहाँ पे हमारा क्या रहता है धागा रहता है एक स्क्वायर बनता है तो मैं बना पा रहा हूँ, सेम चीज मैं इसमें ट्राई किया लेकिन इसमें और इसमें फर्क ये था इसका स्लोप तो ये सेम नहीं था और ऊपर से नीचे तक जाओ तो इसको ये मतलब मिट्टी है बहुत सॉफ्ट है इसमें लगाना बहुत 5 मीटर में लगभग 15-20 फीट हवा में लटक के लगाना ये बहुत दिक्कत था, स्लोप तो है यहाँ का लेकिन जो हमारा मतलब टॉप सरफेस का जो स्लोप है वो भी सेम नहीं था, स्लोप कभी कभी प्लेन रहता है कभी एक साइड स्लोप रहता है तो उसमें भी दिक्कत था, तो पहले दिन मैंने पूरा मोजाइक किया उसको, आप इसी फोटो में भी देख सकते हैं पिन लगा है यहाँ पे देखिए पिन लगा है ना, ऐसे पिन लगा के मैंने क्यों किया पहला दिन, लेकिन उसके बाद आके देखा दिन मतलब उस दिन पूरा दिन भर लगा उसमें ग्रिड बनाने में और फोटो कर लिया
लेकिन जब इलाके में उसको देखा कंप्यूटर में, कोई एक भी नहीं जुड़ रहा है, क्यों? क्योंकि जो स्क्वायर था वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो पाया था। तो दूसरे दिन फिर मैं गया, उसको फिर से शुरू किया, सेम चीज को मैंने फिर से शुरू किया। ये आप देख पा रहे होंगे, इसका टॉप सर्फेस देखिए, ये है, हाइट ज्यादा है, इसका हाइट कम है। तो इसी स्लोप को मेंटेन करने के लिए मैंने क्या किया, ऑटोलेवल मशीन जो है उसमें ले लिया और उसमें ये दोनों का डिफरेंस निकाला। ये टॉप सर्फेस और ये दोनों कर्नर में C1 और C3 में इतना डिफरेंस है, वो मैंने पहले निकाला। इसी डिफरेंस को मैंने माइनस करके इसको एक प्लस स्ट्रेट लाइन किया। उसके बाद मैंने उस वहां पे ना, और उसने मतलब ये जो है इतना छोटा एरिया है ना, वाइड लेंथ तो नहीं ले सकता ना, और दूसरा चीज है उसको 1 मीटर और 1 मीटर करूंगा तो उतना पीछे में जाना पड़ेगा, उतना पीछे उसके अंदर जा ही नहीं सकता था। तो मैंने उसको क्या किया, 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर ग्रेव बनाया, जैसे एक 2 मीटर है तो 2 मीटर को मैंने 4 मीटर को 4 हिस्से में डिवाइड किया, 4 कॉलम में, 4 कॉलम में डिवाइड करके उसको 25 सेंटीमीटर का एक एक ग्रिड बनाया। एक ग्रिड बनाते हुए ऊपर से नीचे तक किया मैंने उसको, फिर उसी ग्रिड को मैंने फोटो किया सेंटीमीटर ग्रिड को, वहां मेरे को लेबल भी नहीं लगा सकता था वहां पे, तो इसलिए मैं उसको प्रॉपर नोट करके डायग्राम करके जितना लेआउट रहा उसी लेआउट को मैंने एक पेपर पेन ब्लैंक पेपर में उसको डायग्राम किया, डायग्राम करके उसी को फोटो करके और फोटो नंबर को नोट करते गया, दो मेरा मतलब प्रॉपर एक फोटो रिकॉर्ड मेरे लिए बन गया। उसी रिकॉर्ड को लेके डाटा रिकॉर्ड में मैं फोटोशॉप में फिर उस टाइम में तो इतना फोटोशॉप मेरे पास भी नहीं था, नॉर्मल फोटोशॉप 7.0 था जिसमें बहुत दिक्कत होता था ये ज्वाइन करने के लिए। आजकल लोग बहुत सारा एडवांस ये टेक्निक आ गया है फोटोशॉप में जिसमें बहुत इजीली हो जाता है, नहीं उस टाइम में स्क्वायर को और क्या है हमारा कैमरा एरर है, कोई भी स्क्वायर है वो थोड़ा तो एरर देता है, मतलब प्रॉपर राइट एंगल में नहीं आ पाता है, जितना भी कोशिश करो थोड़ा एरर देता है। तो उसको जो ग्रिड है बाय फोर मतलब ऑरिजिनली स्क्वायर है लेकिन उसको फोटो में स्क्वायर बनाने के लिए आजकल जो रैप टूल है उसमें फोटो 7 में इतना फैसिलिटी नहीं था, तो मतलब मुझे बहुत दिक्कत होता था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने शुरू किया धीरे धीरे उसको जोड़ना शुरू किया। ये जोड़ के मैंने इसको बनाया, आप ये देख सकते हैं ये 5 मिनट उसके बाद तो मेरा सर का आइडिया था कि नहीं ये तो हो गया लेकिन बिना स्केल तो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैंने उसी को फिर मेजरिंग जो था उसी स्केल हिसाब से जो हमारा 25 सेंटीमीटर था 25 सेंटीमीटर ग्रिड था उसी को मैं आज स्केल ले लिया और एक वर्चुअल स्केल लगा दिया यहाँ पे, और यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई दे कि ट्रेन है तो ट्रेन का कौन सा दीवार है ना, ये नॉर्थ है कौन सा जो वॉल है सेक्शन है वहाँ का फोटो है ये लगा दिया। दूसरा उसी ट्रेन का ये और एक फोटो है जिसमें आप देखते हैं ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है लेकिन ये 1 मीटर बाई 1 मीटर है और ये नीचे तक गया है। फिर उसमें एक दूसरा आया ये है, ये इससे पहले ये करने सक्सेसफुली करने के बाद नेक्स्ट ट्रेंड मेरे पास आया ये है, इसमें मैंने फिर उसका वही सेम काम किया। ये था 5 मीटर बाई 5 मीटर लेकिन यहाँ पे जो था ये 2 मीटर था, ये 5 मीटर था ये 2 मीटर था और नीचे 2 बाई 2 मीटर था। ये सेम 5 मीटर में आप देखते हैं सीढ़ी में लटक के कोई पिन लगाना भी एक धागा लगाना, धागा मतलब ड्रेस सिलाई होता है तो वही धागा में यूज करता है क्योंकि धागा ज्यादा पता चलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा मोटा धागा लगाओ, तो इसलिए मैंने क्या किया सिंपल पतला धागा, इसमें आप देखते हैं धागा पता ही नहीं चल रहा है, ज्यादा जूम करेंगे तो पता चलेगा फिर धागा है ना, पूरा जूम करेंगे तो पता चलेगा। सेम उसी धागा को मैंने लगा के इसमें ट्राई किया, वही देखिए आप देखिए जो स्लोप है जो नेक दिखाता हूँ ये आप देखिए ये स्लोप है, इसमें एक धागा लगाया देखिए इसको मैंने पैरेलल किया, मतलब ये जो टॉप और लेवल को माइनस करके जो हाइट को माइनस करके मैं पैरेलल किया, उसके बाद इसको ऊपर से नीचे तक ग्रिड बनाया, ये 1 मीटर बाई 1 मीटर का ग्रिड बनाया था इसको ऊपर देखिए यहाँ पे स्पेस सफिशियंट था मुझे नॉर्मल एंगल में फोटो लेने के लिए, तो वहां से ऊपर से नीचे तक ग्रिड बना के इसका फोटो किया। और इसमें आप देखें ये जो दीवार है कौन सा दीवार का फोटो है ये कर लिया, ये 5 मीटर बाई 5 मीटर का ग्रेड था तो कौन सा दीवार का और कौन सा ये
मेजरमेंट के लिए स्केल लगा के नीट नहीं किया। इसका एक सैंपल ये मैं दिखा रहा हूँ, दो धागा लगा के आपके समझने के लिए रखा था। ये देखिए, ये एक मतलब लोएस्ट पॉइंट है, ये एक हाईएस्ट पॉइंट है, तो उसका डिफरेंट निकाल के, दो डिफरेंट निकला उसको मैंने यहाँ से माइनस कर लेता था। लेट ये 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर माइनस कर लो, और यहाँ से 10 सेंटीमीटर माइनस, ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगा ना, तो ऊपर से डिफरेंट निकल गया। फिर उसके बाद 25 सेंटीमीटर ग्रिड बना लिया। आप देख सकते हैं इसमें कोई पिन लगा है और धागा लगा है ना, ये मतलब फाइनल आउटपुट नहीं है, लेकिन एक मतलब बना के रखा था जो आपको दिखाने के लिए। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गया, मतलब सेक्शन का मोजाइक। दो आप देखना इसमें दो गैप पे मिट्टी का दो मतलब दो गैप रहता है, उसी के गैप को लेके भी ना, क्योंकि वहां पे पिन लगा तो बहुत दिक्कत था, पिन वहां लगता नहीं था, उसके बावजूद मैंने कोशिश किया नहीं उसको प्रॉपर स्क्वायर बना के उसको कवर करने के लिए, उसको फोटो लेने के लिए। इसमें दोनों जगह ये हमारे जनरल क्या था, छोटा एरिया है, ये हमारा यहाँ पे अभी एक्सटेंशन ब्रांच में हमारा जो काम होता है ये बहुत बड़ा एरिया में 5 मीटर बाय 5 मीटर करते हैं, तो वहाँ पे ये चीज पॉसिबल नहीं है, ये छोटा वोटा ट्रेंड था, तो इसलिए वहाँ पे मोजाइक के फोटो भी, क्योंकि उसके बाद बहुत ज्यादा तो मुझे आइडिया नहीं है आर्कियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, फोटो के टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू में ये था कि मेरा छोटा वोटा ट्रेंड था, इसलिए मैं उसको कवर कर पाया था मोजाइक फोटो। ये तो और मतलब मुझे फिर कुछ पूछना चाहेंगे तो पूछ सकते हैं, मतलब टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। देवजी जी, जो आपने ये C1 C2 को जो माइनस किया था ये लेवलिंग के लिए, ये इसका पर्पस ये क्या था कि वो स्टिचिंग में काम आता है या उसका कुछ और पर्पस था? मतलब फोटो को जब आप पूरा फोटोशॉप पे एक मर्ज करके पूरा फोटो बनाते हैं उसमें ये चीज को जी, हाँ ये जो C1 एंड C2 जो जो वेरिएबल है, मतलब इनका जो आप समझ लीजिए जो एक इंक्लाइंड प्लेन टाइप का बन रहा है ना, तो उसको आप स्क्वायर ग्रिड में जो कन्वर्ट, हाँ हाँ जी 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 वही वही, ये मैंने माइनस किया था इसलिए कि इसमें ये तो नॉर्मल, अगर यहाँ से मेरे दोनों स्लोप है और मैं यहाँ से 25 ले लिया और यहाँ से 25 तो ये नहीं बनेगा, और प्रॉपर स्क्वायर उसमें फोटोशॉप में जॉइंट करने के लिए जाऊंगा तो जॉइंट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने किया C1 है, ये ज्यादा स्लोप में है और ये इसका हाइट ज्यादा जी, ये छोटा था भी है, ऑटो लेवल भी हम जब लेते थे तो प्रॉपर पता लगा कितना स्लोप है, यदि 5 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर माइनस करता था और 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर हाँ दैट आई गॉट, नहीं नहीं जो स्क्वायर्स आपने बनाए थे दैट आई गॉट कि आप, अच्छा आप जो क्लिक कर रहे थे जैसे ये एक आपका पूरा जो फोटो होगा सिंगल फोटो नहीं है, बहुत सारा फोटो लेकर आपने फिर उसको स्टिच किया है ना फोटोशॉप में, तो 1 GB और वो जो आप बता रहे थे ओके तो वो एक पर्टिकुलर स्क्वायर का आप क्लिक करते थे, देन यू पर्टिकुलर स्क्वायर ऐसा करके फिर यू हैव क्लिक्ड इट ऑल रो वाइज एंड कॉलम वाइज, कॉलम ये यहां पे दब लेता था मैं, रो वाइज लेता था कि कॉलम तो नीचे तो नहीं है, यहाँ पे क्या हवा में लटक के दोस्त ये लेड़ा देता था, लेड़ा में बाम्बू के लेड़ा थे उसमें लटक के फोटो लेना पड़ता था। आप रे बहुत डिफिकल्ट है ये, बहुत डिफिकल्ट टास्क है ये, थैंक यू, डर लगता था तो नहीं, हाँ नहीं नहीं बहुत टफ है ये, उसमें स्टेबल रह के फोटो लेना इज क्वाइट ए जॉब, ग्रेट जॉब, थैंक यू वेरी मच। ये जो प्रोफाइल देख रहे हैं, प्रोफाइल कम से कम 5 मीटर की प्रोफाइल है जी सर, जी सर आप देख रहे हैं 5 मीटर की प्रोफाइल, और नीचे जा तो यहाँ पे प्लस सांस लेने के लिए दिक्कत होता है क्योंकि 1 मीटर एरिया में वेंटिलेशन नहीं रहता था, कि बहुत छोटा एरिया रहता था उसके अंदर फोटो करो, ये मई का महीना था, मई पार्ट टू का था, इतना गर्मी नीचे जाके फोटो करना भी बहुत दिक्कत रहता था। क्या एक चीज है, आर्टिफिशियल लाइट यूज नहीं कर सकते यहाँ पे?
नहीं लाइट लाइट इसलिए नहीं किया था क्योंकि लाइट का जो करने से फिर कलर चेंज हो जाएगा। मैं इसमें कलर को हाथ ही नहीं लगता, नेचुरल डे लाइट में जो है इसको करने से जो कलर आएगा, इसलिए कलर को जो नेचुरल कलर का आप लेयर देख रहे होंगे यहाँ पे, इसी कलर को शेड करने नहीं करने के लिए मैंने कोई भी एक्स्ट्रा लाइट नहीं किया। जो फोटो में भी जो जुड़ा हूँ उस टाइम भी कलर को कुछ हाथ नहीं लगाया। आज से जो कलर आया है और ये भी कैमरा उस टाइम जो है मेरे पास D90 कैमरा था, निकॉन D90 का स्क्रीन जो है मूवेबल नहीं है इसलिए उसको मैं यूज नहीं कर पा रहा था। स्क्रीन में और 1 मीटर में फोटो लेना बहुत दिक्कत था, इसलिए मैंने क्या नॉर्मल निकॉन का 510 कैमरा था जिसका स्क्रीन जो है हमारा रोटेट हो पा रहा था, इसीलिए उसी को लेकर काम किया हूँ। फुली ऑटो मोड में कोई इसका कलर किए कुछ नहीं किया हूँ, एक का कलर चेंज करो तो फोटो फिर दूसरे को चेंज करना पड़ेगा, और ऐसे चेंज करते जो ओरिजिनल जो लेयर का सॉइल का कलर है वो चेंज हो जाएगा, तो पता नहीं चलेगा क्या कलर था और फाइनल आउटपुट क्या निकला है। तो इसलिए मैं कलर को बिल्कुल हाथ नहीं लगाया और कोई लाइट सोर्स यूज नहीं किया। हाँ इस टाइम मैंने ये किया था कि टोटली 12 बजे लिया क्योंकि 5 मिनट के अंदर नॉर्मल अगर इवनिंग में लो या सनराइज में लो तो फोटो नहीं लाइट नहीं मिलेगा, इसलिए परफेक्ट 12 बजे अपने फोटो लिया हूँ। और ऊपर जो है मैं जो सैटिन का कपड़ा देता है उसी को ढांक दिया था तो अंदर तक लाइट मतलब सॉफ्ट लाइट आ रहा था, 12 बजे अंदर तक लाइट आएगा तो इसीलिए मैंने 12 बजे फोटो लिया। ये परफेक्ट मैं 11:30 बजे के आसपास शुरू करता था और 12:30 तक कम्प्लीट करो, इसलिए फास्ट भी उन्हें करना पड़ता था, हवा में लटक के करना पड़ता था और इमिडिएटली करना पड़ा, नहीं तो पोलाइट भी वेरिएशन हो जाएगा तो पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल क्या है। हाय नमस्ते देवाशीष जी, आई एम फ्रॉम पटना सर्किल राजीव कुमार। देवाशीष जी आज जो बताया कि आपने जो डेप्थ में फोटोग्राफी किया है जहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम थी थोड़ा सा जो दिन में आपने किया, तो इसमें आपने कोई रिफ्लेक्टर को भी यूज नहीं किया? नहीं रिफ्लेक्टर में नहीं, नहीं वहाँ पे नीचे तक खुद को खड़े होने के लिए जगह नहीं है तो रिफ्लेक्टर यूज अच्छा, तो भी पॉसिबल नहीं था। अच्छा तो सर हम मैनुअल पे हाँ एक्सपोजर पे बोल पूछिए। हाँ देखो जी मैं पूछ रहा था कि रिफ्लेक्टर को यूज नहीं किया तो फिर क्या वो एक्सपोजर पे कल काम किया वहाँ पे नीचे? ये जो निकॉन 510 कैमरा है नॉर्मल कॉम्पैक्ट कैमरा है, ऑटोमेटिक मोड में नहीं काम किया। अच्छा ऑटो मोड पे सारा किया ना। अच्छा तो उसमें जी जी तो उसपे जो सॉइल का कलर जो था उसमें कोई चेंजिंग वगैरह व्हाट्सएप सब सारा ऑटो मोड पे? हां ऑटो मोड पे इसलिए कोई कलर भी चेंज नहीं हुआ। अच्छा अच्छा तो देखने हाथ में लेबल ज्वाइन किया गया है कलर को, कोई हाथ में आज तक फोटोग्राफी में लार्किलोमीटर में कलर को हाथ नहीं लगाता हूं। अच्छा एक चीज और देवाशीष जी ये बताइएगा, ये जो अगर मैं वहां पे नीचे जाके अगर रिफ्लेक्टर को थोड़ा सॉफ्ट लेके यूज करूं तो कोई प्रॉब्लम उसमें? मैं नीचे मैंने ट्राई नहीं किया हूं एक्चुअली कि नीचे लेकिन अच्छा नीचे नीचे उतना भी लाइट नहीं देता कि रिफ्लेक्टर का ऊपर ऊपर नहीं वो ट्राई किया सही अगर अच्छा यहां तक मैं रिफ्लेक्टर ट्राई किया हूं हो जाता है लेकिन इसीलिए मैं रिफ्लेक्टर नहीं देता इसलिए मैं ट्राई नहीं किया। अच्छा नहीं ऊपर से ही मान लिया जाए कि थोड़ा सा सनलाइट को लेके उसको रिफ्लेक्ट करा दिया जाए तो बहुत फास्ट वो ज्यादा हार्ड हो जाएगा आई थिंक ये लाइट का वेरिएशन हो जाएगा वो लाइट वेरिएशन। बट यू आर रियली वंडरफुल जॉब। थैंक यू ये ऊपर से स्क्रीन कपड़ा तो बहुत पर्सनल मतलब उसी से लाइट बहुत स्मूथ लाइट आ रहा। हां या आई नो थैंक यू जी। आपका ASI में है उनका कोई SOP नहीं है ये सब करने के लिए या आप खुद ही बनाते हैं मतलब जो आपको जो अच्छा लगता है वैसे ही करते हैं? SOP मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। नहीं ये तो मतलब हमारे जो डायरेक्टर जो हमारे जॉइंट थी SP होटा सर है उन्होंने ही मुझे मतलब ये थे कि नहीं उनको रिकॉर्ड करना है वो कोई उन्होंने मतलब नहीं तो प्लान के लिए मुझे आइडिया दिए थे जब प्लान का मैंने फोटो किया था उसके लिए मुझे आइडिया दिए थे कि नहीं इसको ऐसे मुझे ही करना है लेकिन इसके लिए भी उन्होंने मुझे टास्क दे दिए अपने उनके मतलब बहुत भरोसा इसलिए उन्होंने उनको करना है
कैसे करना है क्या है वो आइडिया नहीं, लेकिन मैंने सडनली दिमाग में आया कि नहीं ये और प्लान का होगा सेक्शन का क्यों नहीं होगा, तो इसलिए मैंने खुद एक्सपेरिमेंट करके शुरू किया। और मुझे तो मतलब सर के सर मुझे पता नहीं कि ये और कहीं पे करते होंगे क्या नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन ये तो मैंने खुद एक्सपेरिमेंट करके शुरू किया प्लान का ऐसे ही इतना बड़ा ऑर्गेनाइज। मैं सोचा एक ऐसा इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो सारा चीज के लिए एसओपी तो होना चाहिए, क्योंकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी करता है तो मैं आपको बता दूं, मैं ही था वो ये आदमी जो काम कर रहा, वो तो मैं समझ गया। अच्छा मैं बता देता हूं, हैं ये इस टाइप की जो काम है शायद पहली बार हम किए हैं। मैं जो 30 साल पहले नौकरी में ज्वाइन किया था उस समय तो डिजिटल कैमरा ही था ही नहीं, और कलर कैमरा तो दो रोल वाला आता था, इट वॉज टू कॉस्टली। तो उस समय भी मोजाइकिंग करते थे ब्लैक एंड व्हाइट स्टील कैमरा लेके अलग अलग स्नैप देखे, उसमें एरर आता था मैं जानता हूं, तब भी हो जाता था। और अब जो ये कर रहे हैं ऐसो भी इसलिए डर, एक चीज आप समझ लीजिए, फोटोग्राफर आर्कियोलॉजिस्ट ड्राफ्ट्समैन ये सबको हम लोग अलग नहीं करते सर्वे में, इन लोग का जैसे देवाशीष है, देवाशीष जितने मैं आर्कियोलॉजी में जो चाहता हूं पहला चीज है लेसन होती है वो उतना ग्रास्प कर लेना चाहिए, और मेरे को भी वो बेसिक नॉलेज फोटोग्राफी का होना चाहिए तभी जाके दोनों का इंटरेक्शन होता है, एक आर्कियोलॉजिस्ट एक फोटोग्राफर एक दूसरे का भाषा समझ ले। देवाशीष तब हम लोग को ये प्लान आउट करके जो ऑब्जेक्टिव मेरा है, क्योंकि मेरे को लिखना है, मेरे को एविडेंस चाहिए, मेरे को लोगों को दिखाना है एविडेंस, तो मेरे को एग्जैक्टली क्या चाहिए तो मेरे को एक्सप्लेन करना है फोटोग्राफर का, एंड फोटोग्राफर को भी समझना चाहिए आर्कियोलॉजिस्ट क्या चाहता है। जैसे अभी जो आपका स्क्रीन पे दिए है आप जानते कितना डेप्थ जो अर्लियर था, सो उतने अंदर एक आदमी खड़ा हो सकता है, पीछे नहीं जा सकता है, 1 मीटर बाई 1 मीटर ग्रिड का तो फोटो ले ही नहीं सकते, तो वो रिड्यूस करके 50 बाई 50 समटाइम 25 बाई 25 सेंटीमीटर्स में ही लेते थे। तो ये डेवलप किया गया है ऐसे एसओपी करके नहीं है, दिस इज ओनली प्लेस जहां पे इतना डिटेल वे में मोजाइक फोटो मोजाइकिंग किया गया है। ओके सर थैंक यू, एंड दिस इज प्रोबेबली द फर्स्ट टाइम, और देश के अंदर और कहीं हुआ है इतने डिटेल में और छोटे एरिया को लेके डिटेल में, जिसमें एक एक छोटे से पत्थर भी आप काउंट कर सकते हैं इफ यू एनलार्ज इट टू लाइफ साइज, वो मेरे नॉलेज में तो कहीं नहीं है सर। और एक चीज ये तो हो गया फोटोग्राफी, मेरे को ये पूछना था जो हमारा यहाँ पे एएसआई का जो मॉन्यूमेंट्स है उसको अगर हम ऐसे ही जाते हैं फोटोग्राफी के लिए तो वहां पे काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं अभी मेरे ख्याल से, तो वो रेस्ट्रिक्शंस क्या है और कैसे हम लोग फोटोग्राफी कर सकते हैं? स्टील फोटोग्राफी लेना है तो आप ले सकते हैं, एब्सोल्युटली कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा कुछ एरिया में कहीं रिपेयरिंग होता है, जैसे आप कहीं मर्डर केस हो जाता है ना, पुलिस का लाइन रह जाता है, एक धागा बांध देते हैं, करेक्ट करेक्ट हां जी, वहां नहीं जा सकते। उसी तरह कहीं पे कंजर्वेशन कहीं वर्क एरिया हो रहा है उस एरिया में रेस्ट्रिक्शन रहता है, जैसे खुदाई की होती है ना एक्सकवेशन की में भी हम रेस्ट्रिक्शन इसलिए रखते हैं ये पास्ट में हो चुका है, बिकॉज इसे जो कहते हैं ना रिसर्च वर्क है, इसकी फोटो लेके लोग ऑलरेडी पब्लिश कर देते हैं बिफोर द डायरेक्टर ऑफ द एक्सकवेशन पब्लिशेस एनीथिंग, ये इंटेलेक्चुअल राइट्स के ऊपर रहती है। जहां तक कि मॉन्यूमेंट की फोटोग्राफ है आप स्टील फोटोग्राफी में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप ले सकते हैं, और जहां तक वीडियो फोटोग्राफी है उसकी कॉस्टिंग कर दिया गया है, टिकट आप लेंगे आप वीडियोग्राफी कर सकते हैं विदाउट कास्ट, और विथ कास्ट उसकी रेट्स अलग है, तो इसे वेल लैंड उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ओनली थिंग लोग लड़ाई करना शुरू कर देते हैं ना, वही नहीं। और एक चीज रेस्ट्रिक्शन करते हैं ये जो ट्राइपॉड लेने लेके फोटोग्राफी करने के लिए, तो ऐसे कुछ है ट्राइपॉड नहीं ले जा सकते या ऐसा कुछ? नहीं ट्राइपॉड के लिए परमिशन लेना पड़ता है, लेना पड़ता है। ओके क्योंकि क्या होता है आप देखे होंगे एक ह्यूज एरिया में हमारे 4 या 5 गार्ड्स रहते हैं,
ये क्यों क्यों रेस्ट्रिक्शन है मैं उसकी बैकग्राउंड बताता हूँ। बहुत लोग क्या करते हैं, वो ट्राइपॉड को जैसे ऊपर एक बड़ी मॉन्यूमेंट है, नीचे और एक कुछ ब्रिक की मॉन्यूमेंट है, वो ऊंचा रहेगा करके मॉन्यूमेंट के ऊपर ट्राइपॉड कर देते हैं। ट्राइपॉड का नोकीला एरिया नीचे रहता है, ठीक है ना, वो स्क्रैच करता रहता है हमारे आंटी को। तो कहां तक आप देखते रहे, तो जहां पे हम लोग परमिशन देते हैं वी नो दैट, तो उनके पीछे गार्ड रह जाएगा, यही होती है। अदरवाइज कोई इतना कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। हाँ, ये पूरा हमारी जो एएसआई के वेबसाइट है ना, उसमें पूरा है। ओके सर। सर ये परमिशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम लोग अगर फोटोग्राफी करना हो तो? आज के दिन में सर जो सर्कल हमारे एक एक एरिया के है ना, सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट एक स्टेट के लिए, कभी कभी एक स्टेट हैज बीन डिवाइडेड टू टू और थ्री डिविजन्स, तो वही परमिशन देते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। इसके साथ मैंने मॉन्यूमेंट का कुछ फोटो भी दिखाने के लिए भी रखा था। ये है कुछ फोटो है जो मतलब मेरा इंटरेस्ट की वजह से, ये तो कोई ऑफिशियल रेस्ट्रिक्शन नहीं था कि यहाँ के लिए मतलब फोटो लेना है क्या, कि कोई ऑर्डर नहीं था, लेकिन मेरा इंटरेस्ट की वजह से मैंने कुछ फोटो लिया था। ये जैसे ग्वालियर फोर्ट, ये है ग्वालियर फोर्ट का है जिसका नाइट व्यू है। फिर ये है कि हमारा होशंगशाह टॉम है, और ये सबसे इंटरेस्टिंग इसका है कि इसी को देख के हमारा ताजमहल बना था, और इसका ये नाइट व्यू है दो ओनली स्ट्रीट लाइट में, ये दो बाहर का स्ट्रीट लाइट है, उसी लाइट में मैंने फोटो लिया था इसका। ये चंदेरी का है जहाँ देखा मतलब बारिश के रात है बिजली के साथ, इसका फोटो मैंने लिया था। ये खजुराहो नॉर्मल जो लाइट है उसी लाइट में, फोटो क्या ये था उसके लिए मैं गया था वहां पे, तो रात को मैंने ये ट्राई किया था रात में मून लाइट में। ये जितना आप लाइट देख रहे हैं ये मून लाइट, फुल मून डे लाइट नाइट था, और फुल मून में मैंने ये ट्राई किया था। उसके बाद ये है कि हिंदोला चोरों में मैंने चार्टल ट्राई किया था, और उसके साथ साथ मेरा जो हॉबी है वाइल्ड लाइफ में है, इसलिए मैंने कुछ वाइल्ड लाइफ का फोटो लिया। थैंक यू। और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं मुझे फोटोग्राफी के बारे में, टेक्निकली फोटोग्राफी के बारे में कुछ पूछना है तो।